तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 1979 की वर्ल्ड कप की पूरी कहानी और ऑस्ट्रेलिया टीम की एक नई कहानी। 1979 का क्रिकेट विश्व कप एक यादगार मोमेंट रहा है जो कि तूफानी गेल कप के नाम से भी जाना जाता है। ये तूफानी गेल कप इंग्लैंड में 23 जून से 8 जुलाई 1979 तक आयोजित किया गया था। ये क्रिकेट विश्व कप का दूसरा संस्करण था और इसमें पहली बार वनडे मैचों को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि पहले विश्व कप में टेस्ट मैच खेले जाते थे। इस विश्व कप में कुल 8 टीमें भाग ली थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और कनाडा। सभी टीमें प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक एक मैच खेलकर ग्रुप स्टेज को पार की थी। इसके बाद प्रमुख चरण में विजेता टीमें सेमीफाइनल में आगे बढ़ी। फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर तूफानी गेल कप का खिताब अपने नाम किया। इसमें वेस्टइंडीज की बैटिंग और गेल कप की शानदार गेंदबाजी ने आकर्षित किया। इस संघर्षपूर्ण मैच में वेस्टइंडीज ने 286/9 रनों की स्कोर बनाए और उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 194 रनों में हीरोइक बैटिंग करके हराया। इस प्रकार 1979 का क्रिकेट विश्व कप एक यादगार प्रतियोगिता से भरपूर था जिसने वनडे क्रिकेट के मानचित्र को नए दिशा निर्देश दिए और खिलाड़ियों के बीच उत्साह को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की यात्रा 1975 से 2023 तक एक दिलचस्प कहानी है। इस अवधि में टीम ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने प्रतिष्ठित खेल के साथ लोगों का दिल जीता। 1975 में आया पहला वनडे इंटरनेशनल विश्व कप जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया। उनकी शुरुआत धीमी रही लेकिन वे 1987 में पहली बार विश्व कप जीतकर महत्वपूर्ण मिलकर बन गए। उनका सफर आगे बढ़ते हुए और भी रोचक हुआ। 1993 में वे फिर से विश्व कप जीतने में सफल हुए और 1999 में वे उपविजेता बने। उनकी यात्रा में वनडे और टेस्ट मैच दोनों में ही उनके उत्कृष्टता का परिचय मिला। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार विश्व कप जीतकर उनके क्रिकेट शैली की प्रमुखता को साबित किया। वे वनडे और टेस्ट मैच दोनों में महान खिलाड़ियों की एक अद्वितीय समृद्धि थी, जैसे कि स्टीव वॉग, रिकी पोंटिंग, ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉन जैसे खिलाड़ियों के साथ। 2023 में आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम उनके संघर्षों और सफलताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़ी है। उनकी यात्रा एक गर्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा बाज रहेगी।